इस काले नकाब के पीछे वो खौफनाक चेहरा है जो दोस्त बनकर गला घोंट देता था, जिसने राह चलते लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसने 8 बेकसूर लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या की है। नागपुर पुलिस के कब्जे में काले नकाब से चेहरा छुपाए इस खतरनाक खूनी का नाम है फूलचंद ज्ञानचंद राजपूत। फूलचंद राजपूत 5 राज्यों में हाईवे किलर के नाम से कुख्यात है। इसकी खूनी सनक, कत्ल के हैवानियत से भरे तरीके और गुनाह छुपाने के शातिराना अंदाज हैरत अंगेज है। चंद रुपयों के लिए फूलचंद किसी की भी जान ले लेता था। ये हाईवे किलर ज्यादातर ट्रक ड्राइवरों और क्लीनर को ही अपना शिकार बनाता था। ट्रक ड्राइवरों से दोस्ती कर उन्हें बातों में फंसा कर भरोसे में लेकर पहले कत्ल करता और फिर ट्रक में लदे माल को लूट ठिकाना बदल देता था। मोडस ऑपरेंडी बेसिकली ढाबे पे जो ड्राइवर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स हैं उनसे दोस्ती करता था। ढाबे पे उनके खाने में एक व्हाइट पाउडर है जो मिलाता था, हमें उसके पास से वो व्हाइट पाउडर भी सीज हुआ है और नींद में ही उनके ऊपर वो असॉल्ट करता था, उनकी डेथ हो जाती थी और उनको दूसरे जगह डंप कर देता था और बाद में जो ट्रक का सामान है और ड्राइवर के पास जो भी पैसे हैं या ड्राइवर के पास जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जो कि वैल्यूबल हैं उसको ये लेके फरार हो जाता। ये हाईवे किलर एक प्रदेश में वारदात अंजाम देने के बाद नए शिकार की तलाश में दूसरे राज्यों के हाईवे पर निकल पड़ता था। ऐसे ही नए शिकार की फिराक में ये नागपुर के हिगना हाईवे पहुंचा था। हाईवे किलर ने नए शिकार की शिनाख्त भी कर ली थी, लेकिन तभी इसकी खबर नागपुर पुलिस को मिल गई। पुलिस ने 3 टीमें इसके पीछे लगा दी। पुलिस को कामयाबी मिली नागपुर से 14 किलोमीटर दूर हाईवे पर। अभी तक उसने खुद कबूली दी है 8 की, पर हम अभी और पूछताछ कर रहे हैं। मास्टरमाइंड है, हार्डकोर है और आशंका है हो सकता है इससे ज्यादा किया हो उसने। 5 राज्यों की पुलिस फूलचंद राजपूत को ढूंढ रही थी। मध्य प्रदेश की अदालत फूलचंद को दोहरे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा भी सुना चुकी है। जमानत पर छूटने के बाद से ही फूलचंद ने लगातार 8 हत्याएं की। इस हाईवे किलर के पास से पुलिस को नशीला पाउडर और डायरी मिली है।